गुड मॉर्निंग आई, सुबह हो चुकी है और मैं सुबह उठ करके अपने रूम में झाड़ू लगा रहा हूँ। मम्मी ने सारे घर में साफ सफाई कर दी है लेकिन मेरा रूम रहता रहा क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठा हूँ। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं बाद में अपने आप खुद सफाई करूँगा, डस्टिंग करूँगा, क्योंकि मम्मी से इतना झुक करके झाड़ू नहीं लगता। तो मैं डीप क्लीनिंग कर रहा हूँ और ये सारा यहाँ से डस्ट निकाल रहा हूँ अच्छे से, ताकि रूम को ना एक बार जाले वगैरह कहीं पर लगे तो वो भी साफ करके सारा एक बार अच्छे से साफ कर दूँ। ये हैंडल बने ना साइड साइड में, ये दो हैंडल लगे ना साइड में। हाँ तो हैंडल बस 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 नहीं बस ऐसे होगा ये जरा 8 इंच का रहता है, जो भी इस पे सोता है ना बस सोता रहता है, तो उसका ना उठने को मन नहीं करता। एक नंबर ये इसमें वो लगा सर्फ लगा हुआ है ना, नहीं ये क्या है वो निकल ये लगा करके देखते है ना। मैंने और मम्मी ने बेड शीट तो लगा दी, अब बिल्लो के ऊपर लगाने हैं। और उसके बाद मम्मी पंखा लगा सकते हैं ना, है ना। अब तो सारा डस्टिंग वगैरह भी हो चुकी है, पोचा भी लगा दिया है, बस पंखा लगा के अब हम इसको सेटिंग करेंगे। हाँ जी कभी बोचे भी ना लगाए थे क्यों कुड़िए जान, फिर चादर उठानी हुन तो मेरी बांह दुखदी ना तां नहीं हुंदा है कर लंदी माड़ा मोटा ठीक, पर बांह नहीं चक रखदी हुंदी ज्यादा। पर मम्मी को हमेशा तड़प रहती थी काम करने के ना, तड़प रहती थी आपको कि मैं काम करूँ। ये अब बारिश का मौसम है ना, नहाता हूँ मैं खाना खा करके, उसके बाद बाहर का काम करते थोड़ा बहुत। वो प्याज वाली जगह ना उसको खाली करते हैं। मम्मी सब्जी बड़ी गल वाली बस फिर थोड़ी थोड़ी बरसात के बाद चलाएगा। सो गाइस देखिए रूम मेरा सारा क्लीन हो गया और मैंने ये भी सारा साफ कर दिया कॉलिन के साथ, इसको कपड़ा मार के अच्छे से साफ कर दिया। और इसके ऊपर हाथों के निशान जो है वो नहीं रहे, इसको रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से कॉटन के कपड़े से साफ किया ताकि इसके ऊपर स्क्रैचेस भी ना पड़े और ये अच्छे से साफ हो जाए। और साफ हो भी गया, शीशा हमारा पहले से साफ है, थोड़ा बहुत कुछ होगा तो इसको न्यूज़पेपर के साथ साफ करूँगा क्योंकि न्यूज़पेपर के साथ शीशा अच्छे से साफ होता है, इसको कॉलिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक पाउडर आता है शीशा साफ करने का, वो लेके आऊँगा। और अभी टाइम हो गया है मेरा नहाने का, सारा डस्टिंग वगैरह कर दी, अब नहा करके आते हैं। मैं नहा धो करके तैयार हो चुका हूँ, अब मेरे को करना है ब्रेकफास्ट। अभी टाइम हो गया है 11:30 बजे का, तो आई ब्रेकफास्ट करने के लिए लेट हो गया क्योंकि सारी सफाई की, ऐसे भी हमारा ब्रेकफास्ट इस टाइम पे होता है। आया से तो और सारी सफाई करके ना हम फिर खाना खाते हैं। तो मम्मी ने खाना बना दिया है और अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। मम्मी कर रहे हैं अपनी बहूरानी से बात, हालचाल पूछ रहे हैं, विकास में बात रहा है तो उसका हालचाल जान रहे हैं। मम्मी ने कल रात को बनाया था चने की दाल में घिया डाल करके, और बहुत टेस्टी लगती है मेरे को घिया डाल करके। कोई भी सब्जी बनाओ ना या फिर बढ़िया डाल करके घिया बनता है, चने की दाल डाल के बढ़िया डाल के घिया डाल के ये सब्जी बनती है। और घिये की अकेली सब्जी कोफ्ते, घिये वाला कुछ भी बना दो, कोई भी आइटम बना दो, मेरे को बहुत टेस्ट लगती है और बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। चलिए अब ब्रेकफास्ट करते हैं। अब मम्मी मेरे लिए बना रहे हैं लस्सी, क्योंकि आज मैंने बहुत सारा काम किया ना इसलिए मम्मी कहते हैं तेरे को स्पेशल ट्रीट मिलेगी आज, तेरे को लस्सी पिलाऊंगी मैं। इसमें नमक मत डालना ना, नमक डालना पड़ेगा, नमक मत डालना, मेरे को नमक पीना ठीक लगती है। गड्ढे तीन चढ़ दी गड्ढी रे तीन चढ़ दी कदाल कर दी बोलो तारा रा वो लगाओ नटरी लगाओ।
अभी ना मैं और मम्मी ने सोचा कि चलो अभी टाइम है हमारे पास तो चल करके सोसाइटी से राशन ले आते हैं। हमने पिछले महीने भी राशन ले लिया, इस महीने लेके आएंगे और वहाँ पे हमें ना सस्ता राशन मिलता है हिमाचल सरकार की तरफ से, सबको मिलता है वो, गरीब परिवार को ज़्यादा सस्ता मिलता है और हमें थोड़ा सा प्राइस से कम मिलता है और वो राशन लेके आना है। और उन्होंने बोला कि अगर आप 2-3 महीने राशन नहीं लेते तो आपका राशन कार्ड कट हो जाएगा। जब ना घर में बेड वगैरह ऐसे साफ हो ना पूरे, फिर सोने को मन नहीं करता, फिर दोपहर को ना आलस नहीं आता, नहीं तो दोपहर को मन होता है बेड शीट पड़ी होती है ऊपर की, यार चलो सो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ना मेरे को डिसएडवांटेज लगती है कि बेड की सफाई करना, इसलिए मैं कम करता हूँ कि अगर दोपहर को सोना ना फिर मैं सुबह सुबह सफाई नहीं करता। मैंने कहा यार ऐसे रहने दो, दोपहर को पूरा माहौल बना होता है कि नींद आ जाएगी, जैसे भी बेड के ऊपर जाकर लेटो ना तो मज़ा आएगा। और ये वाला रूम मेरा ठंडा रहता है, दोपहर को अगर लाइट ना हो ना, इन्वर्टर की लाइट से पंखा चलता रहे, एसी ना भी चले, तभी मेरा रूम ठंडा रहता है। और ये ना सिद्धार्थ रिमोट ऑन करके एसी का और नीचे से बंद कर दिया था, तब से इसका मुँह खुला ही रह गया। और इसका मुँह बंद करते पहले क्लीनिंग वाला ब्लॉग कैसा लगा? माँ बेटे ने किया आज अपने रूम की डीप क्लीनिंग, मम्मी ने पोछा लगाया, मम्मी ने काफी हेल्प की मेरी, बाकी सारे घर की सफाई मम्मी ने कर दी थी झाड़ पोछा ना। सुबह कितने बजे मम्मी? 7 बजे। और जो भी हमें देखते हैं आप लोग ये भी बोलते हैं ना कि जिस ब्लॉग में मम्मी हो वो जरूर वीडियो में देखती हूँ आपकी मम्मी वाला, मम्मी के जो भी काम है मैं मुझे अच्छे लगते हैं, सही बात है, आदत भी अच्छी लगती है। चलिए आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या राशन लेके आए सोसाइटी से। इस बार मम्मी सरसों का तेल और रिफाइंड नहीं मिला ना, ये सबसे पहले मम्मी लेके आया है धूप, और ये माचिस, और ये मलका की दाल। इसका रेट आपको बताता हूँ यहाँ पे कितना है, मलका की दाल का प्राइस कितना है, कितना कहाँ पे लिखा है, ये 1 kg 57 rupees। और ये माचिस और लेके आए क्योंकि छोटे पैसे नहीं थे। और ये 2 किलो चीनी एक मेंबर की, आधा किलो मिलती है तो हम 4 मेंबर, मतलब प्रीति का भी इधर ही है अभी, और आंचल का नाम भी हमने ऐड करवा दिया राशन कार्ड में, मम्मी का और मेरा, तो चारों की चीनी हमारी यहाँ पे। प्रीति की 500 ग्राम चीनी देना मम्मी। आपकी 500 ग्राम चीनी आई है। और ये दाल है माँ की दाल, ये कितने का पैकेट है, ये 63 का ना, और मार्केट में होगा 100 रुपीज़ से ऊपर होगा। गुड इवनिंग गाइस, हम लोग इस टाइम ना पुल के ऊपर आए, आज ना बारिश के बाद मौसम बहुत अच्छा है। आज ना बारिश के बाद बहुत अच्छा मौसम हुआ, कल बारिश हुई थी सारे बादल साफ हो गए। इस साइड भी देखो कितनी अच्छी क्लैरिटी आ रही है, और फोटोज क्लिक करने का आज बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मैंने अपनी फोटोज नहीं क्लिक करवाई, अब एक दो फोटोज क्लिक करवाता हूँ। और देखो यहाँ पे पुल के ऊपर कितने लोग घूमने आए हैं, आज संडे है तो इसलिए यहाँ पे लोग बहुत घूमने के लिए आते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं बना रहा हूँ भिंडी की सब्जी, और दूसरी साइड लग रहा है दाल को तड़का। दाल को तड़का मतलब दाल बननी है, पहले तड़का लगा देंगे मम्मी कहते हैं, उसके बाद दाल को कुकर में डाल के बॉइल कर देंगे, जैसे भी जो प्रोसेस है वो सारा कर देंगे। तो दोनों कढ़ाइयाँ, दोनों गैस मैंने संभाली हुई है, इस साइड की भी इस साइड की भी। तो देखो आज मेरे को दो काम, टीसी पे क्या रखना है, करेले बनाने हैं, 3 सब्जियाँ। अच्छा हाँ चलो अच्छी बात है,
सूखी के साथ चल जाती है ना।